शिक्षा को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप में सस्ता बनाया जाना चाहिए। अब बाबा साहब का आप नाम लेते हैं, आपने कहा था कि बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ हूँ और आपकी शिक्षा नीति जो है बाबा साहब के सिद्धांतों के ठीक उलट है, इससे मेरी भावना भी आहत हुई। आपकी हुई कि नहीं? अरे आवाज नहीं आई, आपकी हुई कि नहीं हुई? तो जिस देश में साहब बाहर जाते कहते हैं कि हमें बुद्ध के देश से आया हूं, जिस देश में प्रोफेसर को 10,000 और 15,000 पर काम करना पड़े, आप विश्व गुरु बनेंगे। तो मोदी जी, खुदाई आजकल बड़ा हो रहा है देश में, जरा जितने बुद्धिस्ट साइट है और टेंपल है, मंदिर है, जरा उनकी ठीक से जो कब्जा किया हुआ उसको तो छुड़वा दीजिए और जरा डीप खुदाई करवाइएगा, कहीं सबसे नीचे बौद्ध विहार न मिले। सीधा ये नई शिक्षा नीति वर्ण व्यवस्था है, 4 साल का कोर्स चतुर्वर्ण व्यवस्था है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप सबको जय भीमलाल सलाम। जो मैंने पंक्तियां कही हैं वो दुष्यंत की पंक्तियां हैं। इतिहास का छात्र हूं और रेफरेंस के बगैर बात नहीं करता, और इसलिए मैं रेफरेंस दिए देता हूं, कहीं भावना आहत न हो जाए। बहरहाल रेफरेंस से ही बोलूंगा। और आप सब देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से कोनों से यहां पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में छात्र आए हैं, आप सबको इसके लिए बधाई, बहुत बहुत बधाई। और दुष्यंत की पंक्तियां हमने इसीलिए पढ़ी थी कि ये धीरे धीरे जो ये छात्र संसद है, ये संसद पूरे भारतवर्ष को ये संसद में तब्दील हो जाना चाहिए, सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ और सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ। जरा वो दे देना फोल्डर, बगैर रेफरेंस के बोलूंगा नहीं, नहीं तो फिर हो सकता है इस बार सरकार को ही दिक्कत हो जाए। शुक्र है कि इस बार मोदी साहब ने नई शिक्षा नीति पर अंबेडकर साहब को कोट नहीं किया, क्योंकि जब नोटबंदी कर रहे थे तब भी अंबेडकर साहब को कोट कर रहे थे, और जब 370 हटाया तब भी उन्होंने अंबेडकर साहब को कोट किया। दोनों बार हम लोग चीटिंग पकड़ लेते हैं कि आप गलत कोट कर रहे हैं, इस पेज नंबर पर यह बात नहीं, ये बात लिखी गई। तो नई शिक्षा नीति पे इस बार सावधान थे, बाबा साहब को कोट नहीं किया उन्होंने, लेकिन पहले से हम तैयारी करके बैठे थे कि बाबा साहब क्या बोले थे शिक्षा नीति को लेकर, वो हमारे जहन में जरूर रहना चाहिए। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का 12 मार्च 1927 का भाषण रेफरेंस दे देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा जाकर, हिंदी वाला जो खंड है वो पार्ट 3 पेज 55 से 61 तक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसी पर उसमें बात की गई है। भारत के तमाम सामाजिक जो स्तरीकरण पढ़िए, बहुत दिलचस्प है, वो आपको बहुत काम आएगा काउंटर करने में, क्वेश्चन भारत सरकार की शिक्षा नीति को काउंटर करने। एक दो लाइन में पढ़ता हूं, वो कह रहे हैं कि छानबीन से मुझे पता लगा है कि आर्ट्स कॉलेज में जो खर्च किया जाता है उसका 36% फीस से मिलता है, हाई स्कूल में 31% और मिडिल स्कूल में 21%। और कहते हैं कि सर मेरा निवेदन यह है कि ये शिक्षा का व्यवसायीकरण है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो सबको मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है जो इस आधार पर चलाया जाए
कि जितना वह खर्च करता है उतना विद्यार्थियों से वसूला जाए। शिक्षा को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप में सस्ता बनाया जाना चाहिए। अब बाबा साहब का आप नाम लेते हैं, आपने कहा था कि बाबा साहब की वजह से मैं यहां हूं, और आपकी शिक्षा नीति जो है बाबा साहब के सिद्धांतों के ठीक उलट है, इससे मेरी भावना भी आहत हुई। आपकी हुई कि नहीं? अरे आवाज नहीं आई, आपकी हुई कि नहीं हुई? तो यह बात, अगर शिक्षा को आप बर्बाद कर दीजिए तो आने वाली पीढ़ी के जड़ खोद दिया जाए, और नई शिक्षा नीति जो है ये सिर्फ छात्रों को प्रभावित नहीं कर रही। पटना विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम छात्रों ने ये बात की कि कैसे स्ट्रेस में है छात्र, फीस इतना बढ़ रहा है, सिर्फ छात्र पे इसका असर नहीं पड़ रहा, इसका असर शिक्षकों में भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो एनसीआर के आसपास, एनसीआर में और कहीं भी भारत में, एनसीआर इसलिए कह रहा हूं कि भारत के संसद से 25 किलोमीटर के एरिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मजाक है क्या मैडम, वहां जाकर एक बार चेक कीजिए कि प्रोफेसर को तनख्वाह कितना मिल रहा है, चेक कीजिए। जिस देश में साहब बाहर जाते कहते हैं कि हमें बुद्ध के देश से आया हूं, जिस देश में प्रोफेसर को 10,000 और 15,000 पर काम करना पड़े, आप विश्व गुरु बनेंगे? ये सवाल मैं इस मंच से उठाता हूं। वही नहीं, इसका प्रमाण मैं एक देता हूं। एक चिट्ठी मेरे पास आई है, चिट्ठी लिखने वाले का नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चिट्ठी का जो कंटेंट है वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। और वो एक शिक्षक पीएचडी, वो गलती से मेरे पास आ गया, वैसे जाना चाहिए था मोदी साहब के पास और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। उस लेटर का कंटेंट आप सुन लीजिए, अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं कि क्या बनने जा रहे हैं। ये डॉक्टर पासवान है, नाम नहीं बोल रहा, और ये चिट्ठी मेरे पास आया है कि सर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह नामांकन करा सकूं। मैं पिछले 4-5 माह से SMD कॉलेज जलालपुर में शिक्षण कार्य में था, मुझे हर 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को वेतन देने को कहा गया था। सच्चाई यह है कि मुझे इस 4-5 महीने के अंदर वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगला लाइन सुनिए, कुछ भी नहीं दिया गया है, और कहा गया कि आप काम करते रहिए, पैसा जब कॉलेज में आएगा तो दिया जाएगा। तब मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, 18,000 रुपए देने की बात हुई थी प्रतिमा पर मंथ। तब कॉलेज के तरफ से बोला गया, ये लाइन जरा सुनिएगा, कि जो व्यक्ति इस कॉलेज में आपको रखवाया था उसकी मृत्यु 1 महीना पहले हो गई, वही आपके बारे में जानते थे, आपको क्या कह रखा था मुझे कुछ पता नहीं। ये हमारे गृह राज्य बिहार का ही खत है। सर यह कॉलेज मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, आने जाने में 150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, और कुछ पैसा कॉलेज से मिलने की उम्मीद नहीं। यही चिट्ठी पढ़ के बंद कर रहा हूं, नई शिक्षा नीति की व्याख्या बाद में। ये खाली चिट्ठी, ये चिट्ठी नहीं, ये घटना नहीं, ये संकेत है कि जिस विश्वविद्यालय, जिस कॉलेज में निजीकरण क्या होता है, इसका ये पूरा दस्तावेज, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। 150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है और कुछ पैसा कॉलेज से मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं मजबूर होकर इस कॉलेज को छोड़ दिया 1 महीने पहले और गांव में कोचिंग चलाता हूं। दुख की बात यह है सर, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नामांकन
नहीं करवा पा रहा हूँ। बेटा 4.5 साल का है, यही चिंता मुझे परेशान करती कि अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी बीमार रहते हैं। सर, आपके अंबेडकर नामा से जो प्रसारित किया जाता है मैं उसे नियमित देखता हूं और शेयर करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक प्रोफेसर की दर्द भरी दास्तान है, पीएचडी स्कॉलर। यही हालत इस भारत में तमाम प्रोफेसरों को होने वाली है, जो दुनिया को तो शिक्षा देगा लेकिन अपने बेटे को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता है। अल्टीमेटली चलते चलते मैं एक लाइन सिर्फ NEP, ये मैंने इशारा कर दिया है, NEP पे एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं कि और कुछ नहीं, उसमें बार बार बल्लवी और तमाम बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयों की बात हो रही। तो मोदी जी, खुदाई आजकल बड़ा हो रहा है देश में, जरा जितने बुद्धिस्ट साइट है और टेम्पल है, मंदिर है, जरा उनकी ठीक से जो कब्जा किया हुआ उसको तो छुड़वा दीजिए और जरा डीप खुदाई करवाइएगा, कहीं सबसे नीचे बौद्ध विहार न मिले, ठीक से खुदाई करवाना। सीधा और सीधा ये नई शिक्षा नीति वर्ण व्यवस्था है, 4 साल का कोर्स चतुर्वर्ण व्यवस्था है। शुक्रिया, और इसका विरोध लगातार होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।